वैसे ये अनाउंसमेंट आपने पहले भी कई बार सुनी होगी, लेकिन एक बार और सुन लीजिएगा, क्योंकि आज की उफ इन्हीं निर्देशों के आगे पीछे घूमती है। कोरोना महामारी से इस वक्त जूझने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। अपने मुंह पे फेस मास्क हमेशा लगाते रखिए जब आप घर से बाहर जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ लगातार साबुन से धोते रहिए, और अगर साबुन और पानी ना मिले तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। ये जानकारी है तो सिर्फ आम लोगों के लिए, नेता तो नेता होते हैं साहब, ज्ञान तो कूट कूट कर भरा होता है, इतना कि 2400 घंटे आम जनता के ऊपर फैलता रहता है, और कसम है कुर्सी की जो उस दिव्य ज्ञान पर खुद अमल भी कर लें। इस कोरोना काल में भी बोल बचनों की बरसात है। आम जनता को नसीहत पर नसीहत और देश के कर्णधारों के लिए सब कुछ माफ। अब देखिए ना, यहाँ ज्ञान की खान एवं भोपाल सांसद माननीय साध्वी प्रज्ञा भारती आंखों पर महंगा चश्मा चढ़ाए एसी गाड़ी में सवार कोरोना बचाव को लेकर ज्ञान वर्षा कर रही हैं, लेकिन शायद खुद का मास्क घर पर रख कर आई हैं। और यदि किसी ने मास्क को लेकर सवाल उठाया तो संभव है साध्वी के श्राप का शिकार हो जाए, क्योंकि सच कड़वा जो होता है। इतना कहना चाहती हूँ, कोरोना का काल है, लोग स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का उपयोग करें। स्वस्थ रहेंगे तो स्वाभिमानी भारत भी बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जिस उद्देश्य के लिए हम निकले हैं वो पूर्ण होगा। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का उपयोग करें। स्वस्थ रहेंगे तो स्वाभिमानी भारत भी बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जिस उद्देश्य के लिए हम निकले हैं वो पूर्ण होगा। अब जरा यहाँ भी देख लीजिए, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब, बीमारी से निपटने की बड़ी जिम्मेदारी आपके हवाले है, लेकिन उफ मास्क तो छोड़िए, यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी लंका लगी पड़ी है। सत्ताधारी तो ठीक, विपक्षी भी माशाल्लाह। जनाब बढ़ते कोरोना को लेकर रोज बयान वीर बने पड़े हैं, लेकिन खुद भी सावधानी से दूर हैं। हालांकि मास्क है लेकिन सिर्फ शोभा के लिए, नाक मुंह के स्थान पर गले में पड़ा कोरोना का मुंह ताक रहा है। अब सवाल यह है साहब, जब जिम्मेदार ही निर्देशों को लेकर बेपरवाह हो तो फिर इस महामारी की जल्द विदाई की ओफ क्या आशा की जाए।